नमस्कार। आज नया साल, नया साल में कुछ ना कुछ होते रहता है। आज हम सामने कई लोग हैं और सर अपन आपका नाम बोलेंगे। हाँ, मेरा नाम सूरज कुमार साहू। हाँ सर, कहाँ रहते हैं आप? हाँ, संबलपुर मोदीपुरा। मोदीपुरा सर, आज अपने नया साल में लोग अच्छा सोचते हैं कि हमारा पुराना साल गया, नया साल आया। और नए साल में आप लोगों के चेहरा में तो मासेवत गुस्सा भी है सर, तो इसके लिए बताइए। इसका रीजन है, मतलब संबलपुर में अभी जो सब क्राइम चल रहा है इसको इनिशिएट करके हम अभी गए थे एसपी सर के पास। मतलब सब पब्लिक लोग जितने भी टोटल संबलपुर एरिया के हैं सब अभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। महालिम सरियन युवक संघ एक हमारा ग्रुप है, तो इससे सब लड़का लोग जो संबलपुर के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आके एकजुट हुए हैं यहाँ पे, सब मिल के गए थे। संबलपुर में जितना क्राइम चल रहा है उसको, मतलब कैसे क्राइम कम है उसके लिए हम गए थे एसपी सर के पास। तो वहाँ पे एसपी सर को हम सब सेपरेट, हाँ, तो वहाँ पे एसपी सर मतलब उसको मतलब नहीं देख के उतना वो सब हमको उल्टा बोल दिए कि नहीं, आपको जो इन द स्पॉट कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो तब आके आप यहाँ पे कंप्लेन करो। तो इसका मतलब जवाब से हम जितने भी लोग हैं सब इनसेटिस्फाइड। थैंक यू सर। सर आपका नाम? मेरा नाम अविनाश पाणिग्रह है। आप कहाँ रहते हो? मैं मानसीपाड़ा संबलपुर से बिलोंग्स करता हूँ। हाँ सर, देखिए हम ये सूचित करने के लिए एसपी महोदय के पास गए थे कि संबलपुर में जो क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, जो लूटपाट बढ़ते जा रहा है, जो चोरी डकैती बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से मतलब किडनेपिंग भी हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हो रहा है जो कि कानून के आग के नीचे ये सब घट रहा है। बट कानून बोल रहा है कि हमको अब इंडिविजुअली मतलब जब इंसिडेंट हो तब हमारा नॉलेज में लाओ, तो हम ये पहले से उनका नॉलेज में ला रहे हैं कि अब कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए, कुछ सीसीटीवी का तगड़ा किया जाए या पेट्रोलिंग का तगड़ा ही किया जाए या चेकिंग का तगड़ा ही किया जाए, कुछ तो मतलब टाइट करना पड़ेगा संबलपुर को क्राइम कंट्रोल के लिए। ना तो हम ऑफिस में बैठ के खाली बोल देने से हम FIR दे दो, इंडिविजुअली कंप्लेन कर दो, इसमें से थोड़ी ना होता है। हम पहले टाइट करेंगे संबलपुर को कि क्राइम ना हो बोल के, ना तो क्राइम हो बोल के हम कंट्रोल करने के लिए बैठे। सर आप बोलेंगे, आपका नाम? कैलाश मिजिर। आप कहाँ रहते हो? कमली बाजार। हाँ सर बताएंगे, आपके एरिया में तो ज़्यादा क्राइम होता है सर? तो इसके क्राइम हो रहा है, इसीलिए तो हम एसपी सर के पास गए थे। ठीक है, और उनका जैसे रिप्लाई आया, उनका रेस्पॉन्स जैसे आया हमको सेटिस्फाई नहीं लगा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमारे हमको आइडेंटिफाई करो, हमको बताओ बोल रहे। तो पुलिस क्यों आइडेंटिफाई करता है? पुलिस का तो ड्यूटी है। सिक्योरिटी अगर टाइट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्यों गवर्नमेंट वो सब संभाल नहीं सकता क्या? अगर आम पब्लिक वो सब चीज़ बताने लगेंगे तो आम पब्लिक को तो उन लोगों को टारगेट कर देंगे, तो आम पब्लिक उसमें क्या होगा, हैरेसमेंट होगा उनको, उन लोगों को टारगेट करने उनको मारेंगे पीटेंगे। तो हम हमारा मोटिव ये था कि उन लोगों को कैसे हम जी कंप्लेन किया अभी, ठीक है, आगामी मतलब अगर आने वाले दिन में ये सब ना घटे इसीलिए थोड़ा सिक्योरिटी टाइट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अभी हमने देखा यहाँ के नौजवान जितने हैं लोग तो नए साल में मस्ती मारते हैं, पिकनिक करते हैं, इंजॉय करते हैं, और इनको तो संबलपुर की चिंता है कैसा लोग शांति से रह सकेंगे। इसलिए उन्होंने एसपी साहब का और एसपी साहब ने जो कहा इनके मन में संतुष्ट नहीं मिला। और हम भी चाहेंगे कि पुलिस सतर्क हो, पुलिस पेट्रोलिंग करे, क्योंकि पुलिस का लिस्ट में सब कुछ है, और पुलिस जब भी चाहे क्राइम को रोक सकता है। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।